तो ये दोस्तों यहाँ पर देहरादून की हिडन लोकेशन, तो भाई यहाँ पर आप लोग आते हो सफाई का भी स्पेशल ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ये है यहाँ पर देहरादून की एक हिडन लोकेशन, मतलब हिडन वाटरफॉल इन देहरादून। सामने में से आता है पानी, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से होता हुआ जा रहा है पानी, और यहाँ पर लोग अपना एंजॉय वगैरह करते हैं, फिर यहाँ से भाई नीचे की ओर जा रहा है पानी। एक स्पॉट यहाँ पर ये बना रखा है, एक स्पॉट यहाँ पर ये थी भाई यहाँ पर लोकेशन जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेक करा दी। तो मैंने तो यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया आके। तो जो शिखर फॉल का पानी आता है इसी वाले फॉल से होता हुआ आता है। भाई कैसी लग रही है लोकेशन एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और भाई यहाँ पर ना अभी पानी तो भाई काफी ज्यादा क्लियर है, पानी ना मतलब यहाँ पर काफी साफ है, ये देख लो भाई कुछ इस टाइप से, और ना मतलब पानी आप ही लगा लो कि मेरी चेस्ट तक है। तो यहाँ से भाई एक बार मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को। तो ये भाई यहाँ पर वाटरफॉल, यहाँ पर पूरा मतलब ना आप लोग आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, मतलब यहाँ पर यहाँ से जा रहा है पानी नीचे की ओर, ये चेक करो जी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तक भी लोगों ने पूरा एक कचरा फेंक रखा है, ये देख लो। इसको मैं लेकर के चलता हूँ यहाँ से, जितना मेरे से हो पाएगा उतना तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ इनको ले जाने का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज मैं आप लोगों को यहाँ से लेकर के जाने वाला हूँ देहरादून की एक ऐसी जगह जो कि यहाँ पर एक हिडन लोकेशन है, मतलब उसको ना अभी तक यहाँ पर किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं कर रखा, तो उस साइड में आप लोगों को यहाँ पर लेकर के जाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं अभी चौराहे पे पहुंच गया, और यहाँ से ना नीचे शिखर फॉल जाने का रास्ता है, ये आप मेरे यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ से हमने ना अभी इस वाली साइड को जाना है, जो मैं लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना वो इस वाली साइड पे, अभी मैं यहाँ से आगे निकलने वाला हूँ। और आप लोगों को अगर यहाँ पर शिखर फॉल वगैरह जाना है उसका रास्ता भाई यहाँ पर से, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ऑलरेडी नहीं आके मैंने वीडियोज वगैरह बना रखे हैं, आप लोग चाहो तो मेरे चैनल में जाकर के चेक कर सकते हो। फिलहाल तो भाई आज मैं आप लोगों को यहाँ पर हिडन लोकेशन लेकर के जाने वाला हूँ, तो यहाँ से आगे निकलेंगे हम, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से आगे की लोकेशन। तो चलिए भाई निकलते हैं पहले यहाँ पर से, फिर चेक कराता हूँ आप लोगों को। तो भाई फाइनली हम यहाँ पर अपनी लोकेशन में पहुंचने वाले हैं, और भाई इस टाइप का ये रास्ता रहने वाला है। तो ये जो हिडन लोकेशन में मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ ना, उसका रास्ता पूरा इसी टाइप से आप मेरे पीछे पे देख रहे होंगे। इस वाली लोकेशन से हम यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ, ये देख रहे होंगे आप मेरे पीछे पे। इस वाली लोकेशन से हम यहाँ पर भाई होते हुए आ रहे हैं, यहाँ से ना बहुत भयंकर चढ़ाई जाते हुए तो आप लोगों को यहाँ पर स्लोप देखने को मिलेगा, पर आते हुए ना काफी खड़ी यहाँ पर चढ़ाई है। बस अभी यहाँ से आगे को जाना है, और यहाँ से आगे फिर अब जंगल वगैरह शुरू होने वाला है, जंगल का रास्ता। तो रास्ता ना थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ऑफ बीट यहाँ पर रास्ता है, और यहाँ से बस हमने अभी आगे को निकलना है। बाकी भाई आप पूरा ये रास्ता देख रहे होंगे, यहाँ से होते हुए जाना हमने, ये सामने पे आप लोग चेक कर रहे होंगे। यहाँ से भाई अभी चलते हैं आगे, और फिर मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ आगे से लोकेशन। वहाँ पर एक हिडन वाटरफॉल है, वो सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी चेक करा दूंगा। इस लोकेशन में अगर आप लोग यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हो ना, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से आप लोग इस लोकेशन में यहाँ पर पहुंच सकते हो। तो भाई अभी पहले तो हम यहाँ पर पहुंचते हैं, और मैंने नीचे से आप लोगों को यहाँ पर मेन रास्ता दिखाई दिया था। बाकी भाई यहाँ से निकलते हैं आगे, और फिर चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को। इस लोकेशन से हम यहाँ पर होते हुए जा रहे हैं, आप मेरे पीछे की लोकेशन यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। रास्ता पूरा ना इसी टाइप से यहाँ पर ऑफ रोड वाला हो रखा है, यहाँ से भाई पानी की आवाज तो आने लग गई मुझे। तो फाइनली भाई पहुंच गए हम यहाँ पर अपनी लोकेशन में, आप लोग मेरे पीछे पे देख रहे होंगे। अब तो भाई यहाँ पर काफी सारे लोग पहुंच गए, मैं तो सोच रहा था ये हिडन लोकेशन है, पर अब तो यहाँ पर भाई काफी सारे लोग आ चुके हैं। जब मैं यहाँ पर लास्ट टाइम पे आया था ना, उस टाइम पे तो यहाँ पर भाई कोई भी नहीं आ रखा था, अब तो शायद यहाँ पर लोगों को इस जगह का भी अंदाजा लग गया है। और यहाँ से भाई हमने अब नीचे को जाना है, आप देख रहे होंगे यहाँ से भाई रास्ता नीचे उतरने का। चलते हैं यहाँ से नीचे, और फिर मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ इस लोकेशन को। यहाँ पर आकर के ना काफी बढ़िया लग रहा है, शांति है यहाँ पर, और अभी ना मतलब इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि ऑफ बीट यहाँ पर रास्ता है, काफी कम लोगों को यहाँ पर पता है। आने वाले टाइम पे हो सकता है यहाँ पर भीड़ वगैरह बढ़ जाए, इस वीडियो के बाद हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए, पर जिस टाइम पे हम यहाँ पर आ रहे हैं इस टाइम पे तो ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है भीड़। लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं, मतलब मैंने रास्ते में चेक करा ना, तो लोग काफी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से भाई हमने अब नीचे को जाना है, ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से भाई रास्ता नीचे उतरने का। तो भाई चलते हैं यहाँ से नीचे, और फिर मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ इस लोकेशन को। बाकी भैया यहाँ पर आकर के ना काफी बढ़िया लग रहा है, शांति है यहाँ पर, और अभी ना मतलब इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि ऑफ बीट यहाँ पर रास्ता है, काफी कम लोगों को यहाँ पर पता है, मतलब जितने आप लोगों को ये गाड़ी वगैरह दिख रही होंगे ना, मुश्किल से इतने लोगों को पता होगा मेरे को लगता है। तो भाई यहाँ पर अभी सही है, मतलब घूमने वगैरह के लिए। आने वाले टाइम पे हो सकता है यहाँ पर भीड़ वगैरह बढ़ जाए, इस वीडियो के बाद हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए, पर जिस टाइम पे हम यहाँ पर आ रहे हैं इस टाइम पे तो ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है भीड़। पर लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं, मतलब मैंने रास्ते में चेक करा ना, तो लोग काफी यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी इस जगह का मैंने जैसा आप लोगों को बताया, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप लोग भी यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हो। और ये है यहाँ पर देहरादून की एक हिडन लोकेशन, मतलब हिडन वाटरफॉल इन देहरादून। वही चलते हैं अब यहाँ पर पानी में, और फिर चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए जी अब जाने लगा हूं मैं यहाँ से नीचे पानी में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आया था मैं इस वाले रास्ते से, और अब यहाँ से भाई नीचे को जा रहा हूँ मैं। फाइनली भाई पहुंच गए हम यहाँ पर अपनी लोकेशन में, ये आप लोग चेक कर सकते हो सामने, ये चेक करो भाई, ये रही यहाँ पर लोकेशन। भाई कैसी लग रही है लोकेशन एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ये भाई पीछे की लोकेशन आप मेरे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर तक भाई हम पहुंच गए। अब मेरा वॉइस भी पता नहीं यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर पानी का शोर बहुत ज्यादा है इस वजह से। ये भाई यहाँ पर लोकेशन। चलो भाई अब उतरते हैं यहाँ पर पानी में, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इधर से एक बार आसपास के एरिया भी मैं आप लोगों को पूरा चेक करा रहा हूँ, ये देख लो, ये भाई यहाँ पर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पानी को ना थोड़ा सा रोक करके और
एक यहाँ पर स्विमिंग पूल टाइप का समझ लो वो बना रखा है। यहाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है। अब उतरते हैं भाई पानी में, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। मेरे पीछे पे आप देख पा रहे होंगे भाई किस टाइप से यहाँ पर हिसाब है। कोई भी यहाँ पर आ रहा है तो प्लीज यार इस जगह को साफ रखना, इस लोकेशन को ना अभी बहुत कम लोग जानते हैं। और मेरी आप लोगों से बस यही रहेगा कि यहाँ पर आप लोग अगर आते हो तो आओ जरूर से, आओ और इस जगह को ना साफ जरूर से रखना। चलो अब करते हैं यहाँ पर पानी में उतर के एंजॉय, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। भाई अब फाइनली मैं यहाँ पर पानी में उतरने लगा हूँ, तो चलो भाई लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को पानी में। देखते हैं भाई यहाँ पर कितना ठंडा हो रखा है। पहले पानी ठंडा है भाई बहुत ज्यादा। फाइनली भाई हम यहाँ पर पानी के अंदर तो मैं उतर गया। मेरे पीछे पे देख रहे होंगे आप ये रहा फॉल। मैं भी अब थोड़ी देर यहाँ पानी के अंदर एंजॉय वगैरह करता हूँ, फिर आप लोगों को आगे का यहाँ पर चेक कराऊंगा। और भाई यहाँ पर ना अभी पानी तो भाई काफी ज्यादा क्लियर है, पानी ना मतलब यहाँ पर काफी साफ है, ये देख लो भाई कुछ इस टाइप से। और ना मतलब पानी आप ये लगा लो कि मेरी चेस्ट तक है, यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ी कमर तक का लेवल का, और यहाँ पर जाकर के भाई मतलब ये लगा लो आप चेस्ट तक के लेवल का यहाँ पर पानी है। पर सही है, मतलब एंजॉय करने लायक तो काफी बढ़िया है। यहाँ पर लोकेशन आप लोग चेक कर ही रहे होंगे मेरे की किस टाइप से यहाँ पर लोकेशन है। पर पानी के अंडर शॉट ना इतने अच्छे से आ नहीं पा रहे क्योंकि भाई पानी में ना थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी ज्यादा है इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर सभी नहा रहे हैं ना, तो थोड़ी जो जमीन के नीचे मिट्टी होती है ना वो पानी के साथ मिल गई है। बाकी भाई यहाँ से नीचे का जो मैंने आप लोगों को बताया दिया नीचे शिखर फॉल वगैरह, आप लोग चाहो तो उस साइड में यहाँ पर जा सकते। फिलहाल भाई आज तो इस साइड आ रही है, तो आज इस साइड पूरा इंजॉय करते हैं। पानी में उतर के ठंडा लग रहा है और इस टाइम पे ना धूप भी चली गई, अभी तक तो चलो धूप आ रही थी। मैं आप लोगों को वैसे बता दूं अगर आप वहाँ पर जाते हो ना तो वहाँ पर थोड़ा सा गहरा जाकर रहने वाला है। मैं आप लोगों को चेक करा रहा हूँ यहाँ पर, ये आप लोग देख रहे होंगे इस वाली लोकेशन से ना थोड़ा सा गहरा रहेगा यहाँ पर, ये आप चेक कर सकते हो भाई। तो वहाँ पर ना मतलब लोग वहाँ से ऊपर से कूद रहे हैं और फिर यहाँ पानी में जा रहे हैं, और मज़ा तो आ रहा है भाई इस वाली लोकेशन में यहाँ पर पहुँच करके, तो बढ़िया लग रहा है भाई यहाँ पर। और यही है भाई यहाँ पर वाटरफॉल। तो ये दोस्तों यहाँ पर देहरादून की हिडन लोकेशन। तो भाई यहाँ पर आप लोग आते हो सफाई का भाई स्पेशल ध्यान रखना है आप लोगों ने। बाकी भाई जगह तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेक कराई दी है। बाकी मेरे पीछे का व्यू देखो भाई कितना सही लग रहा है, जो यहाँ से व्यू है ना वो एक नंबर है भाई। आज थोड़ा सा ना मौसम कभी कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी कभी धूप आ जा रही है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है बार बार, पर जो भी बोलो भाई मजा तो आ रहा है इस लोकेशन में। और ऊपर में देखो भाई कैसा यहाँ पर हिसाब है। ये थी भाई यहाँ पर लोकेशन जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेक करा दी। तो मैंने तो यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया आके, पर एक बार पानी में उतर जाओ ना फिर ज्यादा पता नहीं चलता ठंड का। मतलब हम यहाँ पर काफी देर टिक गए ना पानी के अंदर, इसलिए ज्यादा पता नहीं चल रहा, पर जब स्टार्टिंग में हम पानी के अंदर उतरे ना उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंडा हो रहा था। तो फाइनली भाई यहाँ पर पानी से होकर के तो मैं आ गया, और यहाँ पर भाई अभी आप लोगों को यहाँ पर लेकर के गया था मैं। मेरे पीछे पे आप लोग देख रहे होंगे इस वाटरफॉल पे जा रखा था मैं अभी यहाँ पर नीचे पे। अब यहाँ पर से भाई निकलने की तैयारी हमारी, तो यहाँ से भाई एक बार मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है भाई यहाँ पर वाटरफॉल। तो भाई साहब यहाँ पर पूरा मतलब ना आप लोग आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, मतलब यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट ले लो या एक पिकनिक स्पॉट ले लो, हिडन वाटरफॉल इन देहरादून आप बोल सकते हो। तो अब तो यहाँ पर भाई काफी लोग आ रखे हैं, पर जिस टाइम पे मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था ना उस टाइम पे तो भाई यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब बहुत कम लोग थे। आज तो भाई यहाँ पर ठीक ठाक लोग आ रहे हैं। अब ये लोकेशन मतलब काफी सारे लोगों को यहाँ पर पता चल गई, और अगर आप लोगों को इस लोकेशन का यहाँ पर आइडिया लग गया तो मुझे एक बार नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया ये शिखर फॉल से ऊपर वाला फॉल यहाँ पर पड़ता है, तो जो शिखर फॉल का पानी आता है इसी वाले फॉल से होता हुआ आता है। भाई पीछे लोकेशन एक बार चेक करो भाई, एक नंबर यहाँ पर लोकेशन है। यहाँ पर ना एक लोकेशन और है, वो भी बहुत प्यारी लोकेशन है, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोग उस बारे में यहाँ पर जानना चाह रहे हो तो उस बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। आज के लिए भाई आप लोगों के लिए मैंने ये वाला यहाँ पर वाटरफॉल कवर कर लिया, मतलब यहाँ पर तो फिर भी अभी थोड़े बहुत लोग हैं, वहाँ पर तो भाई आप लोगों को कोई भी देखने को नहीं मिलने वाला, तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो। मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा उस जगह पे। आप लोगों को इधर का ही एरिया यहाँ पर चेक करा देता हूँ। सामने में से आता है पानी, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से होता हुआ जा रहा है पानी, और यहाँ पर लोग अपना एंजॉय वगैरह करते हैं, फिर यहाँ से भाई नीचे की ओर जा रहा है पानी। एक स्पॉट यहाँ पर ये बना रखा है, एक स्पॉट यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दो से तीन स्पॉट हैं, बाकी भाई यहाँ पर साइड में बैठ करके आप अपना एंजॉय कर सकते हो, अपने लिए खाने पीने के लिए बना सकते हो। यही है यार कि यहाँ पर जो भी आ रहा है ना अपने साथ अपना कचरा वापस लेकर के जाना, जो भी यहाँ पर वेस्ट बचता है ना उसको अपने साथ वापस लेकर के जाना। मैं ये चाहूंगा यार कि हर एक यहाँ पर जो भी आ रहा है मतलब आओ जरूर से, आओ घूमो अपना बढ़िया से, पर अपना जो भी यहाँ पर कचरा वगैरह होता है ना उसको वापस लेकर के जरूर से जाना। बस अब निकलते हैं यहाँ पर से और फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ से आसपास का एरिया भी अंदाजा दे देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे वाटरफॉल तो ये रहा मेरे पीछे पे, ये आप लोग चेक कर रहे होंगे।
तो ये भाई यहाँ पर वाटरफॉल कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को, एक बार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। यहाँ पर ना थोड़ा सा हो सकता है पानी का शोर भी आ रहा हो, बढ़िया है भाई यहाँ पर, मतलब मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया यहाँ पानी में उतर के। मौसम चेक करो भाई, मौसम कैसा हो गया इस समय, यहाँ से जा रहा है पानी नीचे की ओर, ये चेक करो जी, ये देख रहे होंगे आप, ये रास्ता भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेक करा ही दिया था कि हम यहाँ से अंदर होते हुए यहाँ से इस रास्ते को यहाँ पर पार करते हुए यहाँ से फिर यहाँ से सीधा आगे के लिए गए थे। पानी का फोर्स एक बार चेक करो भाई, कितना ज्यादा फोर्स है पानी में। आसपास की लोकेशन देख रहे हो आप, कितना बढ़िया है यहाँ पर, एक ये पिकनिक स्पॉट आप इसको बोल सकते हो। तो बस मैं अभी ना यहाँ पर से बस निकल ही रहा था, तो मेरे को एक चीज यहाँ पर और दिखी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर भाई फिलहाल के लिए मैंने अपनी स्कूटी लगा रखी थी और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तक भी लोगों ने पूरा ही कचरा फेंक रखा है, ये देख लो। तो अब क्या बोलना है यहाँ पर, अब मैं इसको तो मैं लेकर के जा सकता हूँ, तो इसको मैं लेकर के चलता हूँ यहाँ से, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ इनको ले जाने का। और भाई मैं वैसे बता दूँ ये सारा हमारा नहीं है भाई, ये सोच रहे होंगे कि मैंने फेंका फिर मैं ही उठा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो कितना प्यारा है यहाँ पर, ये यहाँ से पानी का सोर्स है, आने वाले टाइम पे ना ये बंद हो जाएगा अगर यहाँ पर लोगों ने इसी टाइप से यहाँ पर कचरा फेंका रहेगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये देख लो यहाँ पर ये पानी की बोतल वगैरह फेंकी है, तो ये सारा मैं जितना हो पाएगा उतना मैं भी यहाँ पर से ले जाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये देख लो भाई ये हाल कर रखे हैं लोगों ने, ये देख रहे होंगे आप, इसी में भरता हूँ। पूरा तो मैंने जितना यहाँ पर मेरे से हो सकता था, स्कूटी में इतनी जगह है तो इतना मैं यहाँ पर लेकर के जा पाऊंगा, तो फिलहाल इसी को मैं लेकर के जाने वाला हूँ। इस लोकेशन में ना एक जगह और है, मतलब एक स्पॉट और है, वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बारह की चलती है गाड़ी, बॉडी से लड़का मैं छोरा पहाड़।